हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला। लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की चकली। तो देखिए किस तरह से बेसन की चकली एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है। तो किस तरह से हम बनाए हैं, चलिए फिर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी बेसन ले ली हूँ इस कटोरी से, और 1 कटोरी हम चावल का आटा ले लेंगे इसी कटोरी से। तो इसमें हम डाल देते हैं। बेसन हमारा छना हुआ है, बेसन को छान के ले लेना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच तिल, अगर है आपके पास तो। छोटी चम्मच थोड़ा सा सोडा डालेंगे। मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को तो हम थोड़ा सा हाथ में इस तरह से क्रश कर लेंगे ताकि इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है बेसन की चकली में। तो इस तरह हम डाल देंगे। 1 चुटकी हम हींग डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। मोवन के लिए हम तेल गरम लेंगे, तो 1 बड़ी चम्मच मैं इसमें गरम तेल डाल रही हूँ। और गरम पानी में आटा को एकदम सॉफ्ट गूंथेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथे से अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम गर्म पानी डालेंगे। पानी हमारा बहुत गर्म है तो हम चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अब हाथ से मज़ा से थोड़ी थोड़ी इसको मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट आटा बनाएंगे। तो इस तरह से हमको एकदम सॉफ्ट आटा इसका बना लेना है। डो तैयार हो गया है हमारा। तो चकली बनाने के लिए चकली वाले मुरकू वाले साँचे में इस तरह से हम लगा लेंगे और इसमें तेल लगा के आटा भर लेंगे। इसमें आप साँचे में अच्छे से तेल लगा देंगे, इसमें हम आटा डाल देंगे। अब इसका हम गोल गोल चकली बनाएंगे। इस तरह से हमको चकली बना के रख लेना है पहले। सभी चकली पहले बना के हम रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं सारी चकली बना ली हूँ। मेरी चकली इतनी सारी बनी है 2 कटोरी बेसन में। तो मैं यहाँ पर तेल चढ़ा दी थी और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम एक एक करके चकली उठाएंगे धीरे से और इसमें हम डालते जाएंगे।
एक साथ हमको सारी चकली नहीं डालना है, 5-6 जितना हमारा तेल है उस हिसाब से हम चकली डालेंगे। अब इसको हम गोल्डन होते तक अच्छे से कुरकुरी तल लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन अच्छे से तला गया है, और इसको मैं निकाल देती हूँ। तेल हमारा बहुत गर्म है तो गैस का आंच थोड़ा से हम धीमा कर देंगे, उसके बाद चकली डालेंगे। तो ऐसी सारी चकली हम तल के निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं सारी चकली बना के तैयार कर ली हूँ, और ये बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरी। तो इस तरह से आप बना के ज़रूर ट्राई करिए अपने घर में, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।